हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कॉलिंग। फ्रेंड्स, आज मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर पीजीटी पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, वो खुशखबरी है कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ग्रेड वन यानी कि पीजीटी के लिए लगभग 6,000 पदों की वैकेंसी निकाली है। जी हाँ दोस्तों, 6,000 पदों की वैकेंसी निकाली है। फ्रेंड्स, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए है बल्कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग से क्या नोटिफिकेशन आया है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नोटिफिकेशन जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया है दिनांक 28/4/2022 को। इसे आप राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है एंड नंबर ऑफ पोस्ट की, कितने पोस्ट निकले हैं हर विषय के लिए। सो बायोलॉजी की बात करें तो निकले हैं 162 पोस्ट, कॉमर्स के लिए 130, म्यूज़िक के लिए 12, ड्राइंग के लिए 70, एग्रीकल्चर के लिए 280। वैसे एग्रीकल्चर के पोस्ट बहुत कम आते हैं बट ये बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है एग्रीकल्चर की। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी में 793, हिस्ट्री में 807, हिंदी के 1462, हिंदी के भी अच्छे पद निकले हुए हैं, काफ़ी मात्रा में पद निकले हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी अच्छे काफ़ी मात्रा में पद निकले हुए हैं, 1196, इंग्लिश के 342, संस्कृत के 194, केमिस्ट्री में 122 एंड होम साइंस के 22। आगे देखते हैं, होम साइंस के 22 एंड फिजिक्स के 82, मैथ्स के 68, इकोनॉमिक्स के 62, सोशियोलॉजी के 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 9। इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना पद देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, और वो फीमेल्स जो शादी के बाद राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती हैं वो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यताएं की, जो कि जब संख्या 6 से 20 के बीच में देखेंगे तो उसमें मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट, यानी कि आपने बीएड किया हुआ हो या फिर डिप्लोमा हो इन एजुकेशन तो आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जिस विषय के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसी तरह क्रम संख्या 1 जो नंबर 1 पे वैकेंसी है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी लिया हुआ हो, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने ये पढ़ा हुआ हो ग्रेजुएशन लेवल पे, एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि आपने बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ किया हो। इसी तरह फ्रेंड्स, बाकी के क्रम संख्या, बाकी के विषयों के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है, आप अपने विषय के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन से।
एक क्वेश्चन जो लोग करते हैं कि मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप ज़रूर आवेदन कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम होने से पहले आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्लाई करते टाइम आप उसमें अपेयरिंग हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका एग्ज़ाम के टाइम आपका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए पीजीटी। ओके, ग्रेड पी की बात करें तो 4800 है। आयु सीमा की बात करें, वो दिनांक 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आयु सीमा में छूट के प्रावधान। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। अगर हम इसी तरह महिला वर्ग की बात करें, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको मिलेगा 10 वर्ष का आयु में छूट। अगर हम सामान्य वर्ग की महिला की बात करें, तो उन्हें केवल 5 वर्ष की आयु की छूट मिलेगी। और अगर हम बात करें विधवा या डाइवोर्स फीमेल की, तो उनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में, बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सो फ्रेंड, चयन प्रक्रिया जो है उसके लिए आपका प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग जो है उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपना सकता है। और जो परीक्षा का स्थान एवं माह है, वो परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात करें, तो वो आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आवेदन अवधि अवधि की। आवेदन का जो ड्यूरेशन है वो है 5/5/2022 से 4/6/2022 रात्रि 12 बजे तक। ओके, उसके लिए आपकी ये वेबसाइट दी हुई है, rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फॉर्म भरने के बाद अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्या करना है। त्रुटि संशोधन के लिए आपको फिर उसी वेबसाइट पे जाकर त्रुटि संशोधन करना है, और उसके लिए आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। और एक बार OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी स्तर का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का होगा पेपर और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस। नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पर, सारी डिटेल्स आप इससे देख सकते हैं। और परीक्षा में पूछा क्या जाएगा वो भी सारा बताया, ड्यूरेशन क्या होगा वो भी बताया हुआ है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन से। ओके, सो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर अप्लाई करिए। और अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम कॉलिंग।